हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर एक इन फ्रॉम कोलकाता। तो जो फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जो कंप्यूटर में जो कोर्स है, जो पैटर्न मेकिंग का है, तो उसका जो पार्ट मैंने पहले दिखा रहा था, और आज मैंने उसका और एक पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज़ करेंगे, उसे ओपन करेंगे सबसे पहले। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो फर्स्ट टाइम है, किस तरीक़े से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं इसे करने के लिए। तो ये है हमारा मॉडरिस V6R1, और सबसे पहले हम लोगों को एक फोल्डर तैयार करना है। ओके, ये देखिए पहले से ही हमारे पास एक फोल्डर है, और इसके अंदर क्या क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ इस जगह में। तो ये है हमारा पहले से ही तैयार हुआ है, तो चलिए इसे हम हटा देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फोल्डर तैयार करना है डेस्कटॉप में, और ये फोल्डर आप अपना जो बायर से उसके नाम से कर सकते हो, किसी भी जो आप लोगों को पहचानने में आसान हो। तो मानिए इसके ये मैं PRASANTA प्रशांत 1 करके एक फोल्डर बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद इसे ओपन करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद एक न्यू न्यू के बाद फिर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें इसके अंदर लेना है। ओके, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे ओपन करेंगे उसके अंदर नॉर्मल जो मूड होगा उसमें आप लोगों को AL अल्फा इसी तरह लिखना है। और उसके बाद जो जो साइज हम करेंगे, मानिए जैसे कि हम लोग XS, उसके बाद AX, उसके बाद S, उसके बाद L, उसके बाद X, XL, XXL, XXXL, ओके, और 1 2 3, और इधर 1 2 3, तो मिडिल में जो है उसे हम मिडिल पकड़ के करेंगे। मिडिल पकड़ के मतलब है फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जब ग्रेडियंट करते हैं, तो वो मैं बाद में समझा दूंगा क्या है, किस तरीके से आप लोगों का नया है तो उसे करने में ज़्यादा अगर बोलूँ तो दिक्कत आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके पहले आप एक स्टार मार्क दे दीजिए, ठीक है, कीबोर्ड से आपको शिफ्ट प्रेस करके एक स्टार मार्क दे दीजिए, और उसके बाद इस फाइल को Ctrl+S करके आप सेव कर सकते हो, अदरवाइज या से फाइल उसके बाद सेव ऑप्शन। ओके, तो ये सेव हो गया है। तो उसके बाद हमारा जो ये है सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सबसे पहले फाइल न्यू, और इसके अंदर भी एक नाम दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिखकर आप लोगों को कीबोर्ड से आपको एंटर मारना है। ओके, ओके फ्रेंड, और उसके बाद एक न्यू शीट लेनी है। जैसे कि आप लोग सॉफ्टवेयर का जब ओपन करेंगे, जब फाइल में जाकर न्यू में क्लिक करेंगे, तो इसी तरह स्क्रीन आएगा। तो उसके बाद शीट में जाना है, न्यू शीट करेंगे तो ये चले जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन में एक बार साइज में क्लिक करेंगे, और एक बार टाइटल ब्लॉक में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों को करना है, मैंने एक एक पार्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड। उसके बाद आप लोगों को जो पैरामीटर है ना, आप पैरामीटर को सेट कर लीजिए कहाँ पर है, किस तरीके से, इसी तरह जिस जगह में रखा हुआ है अब इसी तरह है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए किस तरीके से है। तो फर्स्ट जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ये ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इंच एंड टेंथ करके जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे आप रख दीजिए। उसके बाद भी लास्ट जो ऑप्शन है इंच है, इसका मतलब है हम कौन सा स्केल में करेंगे, वो सेंटीमीटर करें, एमएम करें, तो बहुत सारा साइज इसमें दिया हुआ है पैरामीटर में, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके ओके, और ये जो सेकेंड वाला एंगल यूनिट है वो डीजी में रखना है आप लोगों को। ओके, उसके बाद हम लोगों को जो फाइल सेटअप करना पड़ता है एक्सेस पाथ। ओके, तो एक्सेस पाथ में फ्रेंड इस जगह में हमारा जो फाइल है वो आप लोगों को लाना है। तो मैंने नाम दिया है प्रशांत 1, इसके अंदर ही सारे फाइल है, तो ये देखिए आ गया है। उसके बाद राइट में क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन राइट में, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद आप लोगों को
फाइल में जाना है, फाइल में जाने के मॉडल वैलिडेशन करके इसी तरह वन दो बार करे करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। ओके, और ये जो है इस जगह में देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करके एक ऑप्शन दिख रहा है इस जगह में, तो इस जगह में हमारा जो साइज है वो लाना है। उसके उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, जो इस जगह में जो ऑप्शन होता है जो F7 करके जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला F7। ओके, तो इसे हम प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर इस जगह में एक ऑप्शन है IM, ये देखिए ये ऑप्शन है imp.evt, इसमें क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद फिर इस जगह में आप लोगों को क्लिक करना है, ये देखिए इसका जो साइज है, साइज में आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, तो साइज में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर जिस जगह में हमारा जो फोल्डर रखा है प्रशांत वन, इसके अंदर जाना है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, कभी कभी इस जगह में होता है कि फ्रेंड अगर ऑल ना हो, अगर ये लिखा हो तो हमारा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वो था वो नहीं आएगा। तो आप लोग ऑल कर सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट भी कर सकते हो, वो आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा साइज चार्ट इसमें कर दिया है। और कभी कभी होता है जो एक बार करने से नहीं आता है, तो अब दो बार कर दीजिएगा, शायद वो आ जाएगा। ये देखिए आ गया है। ओके, तो ये था और मैंने ये बता रहा हूँ फ्रेंड, स्टार्टिंग में ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्टमेटिकली, यानी कि किस तरीके से हम सेटअप करते हैं वो आप पहले जान लीजिए, उसके बाद हम एक एक पार्ट को जैसे कि हम आप लोगों को सिखाएंगे तो इस तक है। उसके बाद हम एक मेज़र आप लोगों को एक चाहिए, मैं कोई मेज़र नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल सा कोई भी एक मेजर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वो करने के लिए इधर जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है फ्रेंड F2, तो F2 में हम लोग क्लिक करेंगे, करके इस जगह में एक रेक्टेंगल आता है। ओके, तो रेक्टेंगल में जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए हम लोग अगर इसी तरह करूँ तो एक ऑप्शन इस जगह में आ रहा है और साथ ही साथ ऊपर में फ्रेंड आप लोग दिख रहे हैं ऊपर में एक इसी तरह करके, यानी कि जो रेक्टेंगल हमने इस जगह में रखा है उसका वेथ हाइट रोटेशन सब कुछ इस जगह में दिखा रहा है। ओके, तो यही है असली बात है, तो इसे हम लोगों को करना है। ओके, किस तरीके से करेंगे, तो उसके बाद हम लोगों को इस जगह में जो है, मानिए जैसे कि हम 3 इंच लेना चाहते हैं और इसके बाद जो हाइट वगैरह है वो हम 5 लेना चाहते हैं। ओके, उसके बाद एक एंटर दे दीजिए। ओके, तो ये देखिए हमारा सिस्टम इस जगह में दिखा रहा है। और एक बात आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे कि इस जगह में बहुत लोगों को गड़बड़ होता है, किस तरीके से होता है आप एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड मानिए जैसे कि हम इस जगह में एक रेक्टेंगल यूज करना चाहते हैं इसी तरह। ओके, तो इससे आप लोग अपना जो माउस है ना, माउस को इसी तरह डबल क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम करेंगे तो इसी तरह स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ जैसे इसे मूव कर रहा हूँ ऊपर में मूव हो रहा है, तो इसलिए इस जगह में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर डबल क्लिक यानी कि लेफ्ट हमारा माउस से अगर डबल क्लिक करूँ तो ये स्टिल इस जगह में होता है। और दूसरी बात है जैसे कि इस जगह को हम इसी तरह जितना बड़ा करूँ ऊपर में आप लोग विड्थ हाइट सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इसी तरह आपका जो मेजरमेंट वो ठीक करना संभव नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जैसा है उसी तरह आप रख दीजिए, रखने के बाद आप ऊपर में चले जाए, ऊपर में क्लिक करना है। फिर से सुनिए, जैसे कि ये रेक्टेंगल जिस जगह में है इसी तरह जैसे आप रख दीजिए और अपना जो माउस है वो लेफ्ट क्लिक करके ऊपर में इस जगह में क्लिक कर दीजिए, जो साइज आप चाहते हैं उसी तरह इस जगह में आप लिख दीजिए तो वो साइज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर दीजिएगा, आपका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैंने इतना सा दिखाया, पूरा सेटअप दिखा दिया। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और टेक्निक आप लोगों को सिखाऊंगा, एक मेजरमेंट लेकर यही सब हम लोगों आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। और अब देखते रहिए फ्रेंड, और कंप्यूटर में जितना पैटर्न मेकिंग का जो कोर्स है, जो जो सॉफ्टवेयर का काम है सारे हम सिखाएंगे। उसके बाद हम 3D का भी आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह, और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।